खबर जनपद बाराबंकी से है, जहां पर देवा मजार से समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड संघ के द्वारा पद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा देवा मजार से बाराबंकी होते हुए महादेवा के लिए प्रस्थान करेगी। समाजवादी पार्टी ब्रिगेड संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजा व राजेश यादव MLC, जिला अध्यक्ष साफिर जुबैरी के द्वारा यह पदयात्रा निकाली गई, जिसका समापन महादेवा में किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जोर और शोर के साथ प्रदर्शन करते हुए देवा से महादेवा के लिए रवाना हुए। आज ये जो यात्रा होने जा रही है वो एक ऐतिहासिक यात्रा है, जो देवा के वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी से महादेवा की सरजमी, जो कि एक पूरे हिंदुस्तान में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ तक की ये पदयात्रा जा रही है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब, जो जिसके लिए हमारा मुल्क पहचाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो हमारा मुल्क पहचाना जाता है, उस संदेश को लेकर के ये यात्रा मुलायम सिंह ब्रिगेड के ये जिले के अध्यक्ष साफिर जुबैरी जी के नेतृत्व में जा रही है। ये यात्रा परसों ख़त्म होगी, आज ये चलेगी, बीच में कहीं पर रुकेगी, उसके बाद में कल ये फिर वहाँ से चलकर के महादेवा में। खासकर इस पदयात्रा से क्या संदेश देना चाहेंगे बाराबंकी जनता? इस देवा से महादेवा तक की इस यात्रा के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि मुल्क में अमन और चैन जिस तरह से बना हुआ है, उस तरह से बना रहे। हिंदू मुस्लिम हमारे सिख ईसाई भाई सब इकट्ठा होकर के एक साथ चले। भाई के लिए भाई के दिल में ये जो नफरत का जहर घोलने की फिरका परस्त ताकतें ये जो काम कर रही हैं, उन ताकतों को परास्त किया जाए। बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत जहांगीराबाद में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राजेश कुमार गुप्ता, पंचायत मित्र सरिता रावत, ग्राम पंचायत सदस्य आनंद प्रकाश शर्मा सहित गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर लोगों को मिष्ठान का भी वितरण किया गया। AIZ न्यूज़ के लिए दिलीप कुमार कौशल की रिपोर्ट, जहांगीराबाद, बाराबंकी।